हेलो दोस्तों, आज जो मेरा मेन लाइव आने का रीजन है और बहुत इम्पॉर्टेंट चेंजेज पूरी दुनिया कर रही है, सब लोग भयभीत हैं, कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, आगे आने वाली लड़ाई लड़नी है हमको, तो आज हम बात कर रहे हैं आरबीआई ने क्या किया। कल हमारी सरकार ने 1,70,000 करोड़, जो कि गरीब के हिसाब से देखा जाए तो लगभग यह हर बंदे को लगभग 2,000 का बेनिफिट मिलेगा, किस तरह मिलेगा वो आगे देखने का समय है, लेकिन मैं आज बात कर रहा हूँ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आम तौर पर अभी अप्रैल में आनी थी, और ये अप्रैल 20 तक का इंतजार अब नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि स्थितियां बहुत ही भयानक हो चुकी हैं, और ये स्थितियां भयानक हो चुकी हैं इसका मतलब ये है कि बहुत चिंता का काम है, चिंता का विषय है कि हम जो है तुरंत उसको क्या करें, उस मेजर्स को लें, क्यों ये ऐसा हो रहा है। तो इसके लिए आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है आमतौर पर बाई मंथली बैठती है, लेकिन इस स्थिति में अचानक 24 तारीख, 26 तारीख और आज 27 तारीख, 3 दिन ये मीटिंग बैठी। इस मीटिंग में अब वोटिंग के हिसाब से होता है, और इस वोटिंग में 4:2 के रेशियो से जो भी डिसीजन आए हैं वो मैं आपके सामने आज डिस्कस कर रहा हूं। उन डिसीजनों में देखिए, मैंने लिखा 4:2 रेशियो, इसका मतलब क्या है कि 4:2 के 4 वोट उसके पक्ष में आए, 2 वोट उस जो पॉलिसी थी उसके पक्ष में नहीं आए, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, मेजोरिटी के हिसाब से होता है, ठीक है। इस कमेटी में जो तय हुआ वो आपके सामने मैं एक एक पॉइंट करके बता रहा हूं। सबसे पहली बात देखिए, सबसे पहली बात हमारी आती है रेपो रेट की। तो ये जो रेपो रेट है, ये रेपो रेट अभी तक आपको पता है 5.15 था, ये 5.15% रेपो रेट था, और हिस्ट्री में इस तरह के अनइवन या एसिमेट्रिक चेंजेस बहुत कम आते हैं, क्योंकि स्थितियां कुछ ऐसा ही हो गई हैं। हमें सबको ईज आउट करना है, बैंकों को स्ट्रेंथन करना है, पब्लिक को सपोर्ट करना है, दोबारा से इकोनॉमिक ग्रोथ को रीगेन करना है। वो सब तब हो सकता है जब हम तैयार हों लड़ने के लिए, और उस लड़ाई में आरबीआई ने बहुत अच्छे स्टेप लिए हैं। तो सबसे पहला उसने काम किया, जो रेपो रेट है, रेपो रेट को 5.15 से 75 बेसिस पॉइंट का मैं बता दूं, कई बार क्वेश्चन आता है कि 100 BPS इज इक्वल टू होता है 1%, तो आप समझ सकते हैं कि 75 BPS का मतलब है 0.75% का रिड्यूस किया है। और रेपो रेट में रिड्यूस क्यों करते हैं, उसका रीजन बिल्कुल साफ साफ है, इसलिए करते हैं क्योंकि बैंकों को फंड अवेलेबल इसी रेट में होता है, और बैंकों को अगर इसी फंड में फंड अवेलेबल होता है उसी फंड को बैंक आगे डिप्लॉय कर पाता है, और ये रेपो रेट की जो फैसिलिटी है ये तभी मिलती है जब बैंक अपनी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम में होता है, इसी को हम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का फीचर भी बोलते हैं। तो इस चेंजेस के साथ अगर 75 बेसिस पॉइंट या 0.75% का डाउन आया है, इसका मतलब यह है कि बैंकों को सस्ता फंड मिलेगा जिससे बैंक लोगों को बांट पाएगी, क्योंकि इकोनॉमी जब डाउन हो जाती है तो लोगों को पैसों की क्राइसिस होती है, जो कि टेम्परेली या लॉन्ग टर्म में लोन से ही पूरी की जा सकती है। तो अब देखिए, इस चेंजेस के बाद ये 4.40 हो गया, रेपो रेट आज की तारीख से 4.40 हो गया है। इसी रेपो रेट का इफेक्ट आपकी ईएमआई, जो आम पब्लिक है उसकी ईएमआई पर पड़ता है, और बैंक भी देखना फटाफट 0.75 तक के रेट अब लोग डाउन कर लेंगे, और बहुत से बैंकों ने तो रेपो रेट से अपने लोन को लिंक कर दिया है, तो आज की तारीख से उनके लोन में लगने वाला जो ब्याज है, इंटरेस्ट रेट है, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अब बात करते हैं हम, देखिए मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की। ये जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, ये आमतौर पर ओवरनाइट के लिए दी जाने वाली एक सुविधा है, और ये ओवरनाइट की जो फैसिलिटी है,
इसमें जो है बैंक आमतौर पर हायर चार्ज करता है, इसमें भी 0.75% का ऑटोमेटिक चेंज आ जाएगा। हालांकि अभी मैं इसमें एक चीज डिक्लेयर नहीं कर रहा हूं, आरबीआई ने पूरी प्रेस नोट में कहीं पर भी एमएसएफ का नाम नहीं बोला। अगर कोई चेंज होगा तो फ्यूचर में आप लोग टैली कर लीजिएगा। आमतौर पर इसके इफेक्ट रेपो रेट के जैसे ही होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एसएलआर। ये एसएलआर का लिंकेज उसी एमएसएफ से है। एमएसएफ की फैसिलिटी कितनी मिलेगी तो बोला हुआ है, एमएसएफ की फैसिलिटी जो भी आपने एसएलआर में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसका 2% तक मिलती है। तो ये 2% ऑफ एसएलआर जो आपका है जमा, उसका आपको एमएसएफ फैसिलिटी से लोन मिल सकता है। अगली बात हम करते हैं बैंक रेट की। तो बैंक रेट भी क्या होता है, रेपो रेट से लिंक होता है, और ये भी 0.75 बेसिस क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, यानी कि 4.65 हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट में देखिए, यहां एक थोड़ा सा इस बार आरबीआई ने क्या किया है कि रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट में दोनों में अलग अलग रेट चेंज किए हैं। ऐसा बहुत कम देखने में आता है। आप देखिए कि रेपो रेट में जो चेंजेस किए हुए हैं वो 75 बेसिस पॉइंट किए गए हैं और रिवर्स रेपो में 90 बेसिस पॉइंट किए गए हैं। इसका मतलब यह है कि आरबीआई जो बैंकों से सरप्लस लेता है उसमें और गिरावट ज्यादा कर रही है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि इस समय क्या है कि बैंकों के पास वैसे ही लिक्विडिटी नहीं है, तो इसको क्या है बहुत डाउन कर दिया है। 0.9% का रेट डाउन हो गया है। तो पहले जो है 4.90 होता था रिवर्स रेपो, वो अब घट करके हो गया है वो घट करके हो गया है 4%। तो ये चारों हमने रेटों की बात करी, पॉलिसी रेट की बात करी, रेपो रेट की बात करी, रिवर्स रेपो रेट की बात करी, एमएसएफ की बात करी और बैंक रेट की बात करी। अब आते हैं हम सीआरआर पे। देखिए सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो बैंकों को अभी तक 4% मेंटेन करना पड़ता था। अभी तक बैंकों को जो ये मेंटेन करना पड़ता था वो 4% करना पड़ता था। अब ये जो है घट करके ये हमारा हो चुका है 3%। यानी आरबीआई को, जैसा कि हम बात करते हैं बैंक अपने एनडीटीएल पर, एनडीटीएल को मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ। एनडीटीएल की अगर हम बात करें, पूरा जो 4% होता है एनडीएल का वो हमें देना पड़ता था सीआरआर के लिए। अब वो घट करके 3% हो गया है, 3% हो गया है। और ये अकेला सीआरआर का रिडक्शन बैंकों को 1.37 लाख करोड़ की एक्सरप्लस फंडिंग अवेलेबल कराएगा। ये फंडिंग बैंक अपने लोन बांटने में कर पाएगी, क्योंकि इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए लोन के लिए फंडिंग होनी चाहिए बैंकों के पास। और इसी सीआरआर में एक इंपैक्ट और लिया है, जो मिनिमम डेली बैलेंसेस का क्राइटेरिया था वो 90% था। ये जीआईबी सीआईबी में कई बार क्वेश्चंस आता है, ध्यान से सुन लीजिएगा, 90% से उसे घटा करके 80%। इसका मतलब ये है कि जितना आपका होना चाहिए, जितना आपका होना चाहिए उसका 90% तो डेली होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो पेनल्टी लगती है। तो ये कहा कि चलो ठीक है, अगर आपका 3% नहीं हो रहा तो उस 3% में जो भी अमाउंट होता है उसका 80% तक आप मेंटेन करेंगे, नहीं होता है तो अगले दिन जरूर करेंगे, नहीं तो अगले दिन से आपकी पेनल्टी लगनी शुरू हो जाएगी। तो किसी किसी दिन अगर 80% पे रहता है तो आपको क्या होगा, वहां पे कोई भी पेनल्टी आरबीआई नहीं लेगा, ठीक है। अच्छा, और ये जितने भी लिक्विडिटी मेजर्स किए हैं उसमें देखिए 3.74 लाख करोड़ की लिक्विडिटी बैंकों को अवेलेबल होगी। और इससे क्या है कि इकोनॉमिक रिवाइव के लिए जो भी पैसा पब्लिक को लोन के रूप में चाहिए वो मिलने में आसानी होगी, जो कि आपके जो जीडीपी है, जीडीपी का लास्ट टाइम में जो पिछली फरवरी में पॉलिसी थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला था कि 2% तक हम अवेलेबल कराएंगे। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस परेशानी में, इस पब्लिक को निकालने के लिए 3.7
3.4% ऑफ जीडीपी का ये अनाउंसमेंट किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं जो बहुत राहत भरी खबर है। मेरी बहुत चिंता थी कि जो बिजनेस ठप हो गए हैं, बिल्कुल ठप ही हो गए हैं, तो उनको कैसे रिलीफ करेंगे आप। देखिए, इसके लिए 3 मंथ का रिवाइवल टाइम बैंक ने दिया है। आरबीआई ने कहा है कि अगले 3 महीने तक जो भी 1 मार्च से ईएमआई ड्यू थी, 1 मार्च से ईएमआई ड्यू थी, वो 3 महीने तक कोई भी उसमें पैनल इंटरेस्ट नहीं लगेगा और वो ईएमआई आपकी 3 महीने बाद से लागू होगी। और 3 महीने बाद से आप, अगर 3 महीने बाद इकोनॉमी ठीक हो जाती है, तो उसके बाद से आप अपनी ईएमआई दीजिए, उसमें आपका कोई भी अकाउंट एनपीए नहीं होगा और बैंकों को भी कोई भी अकाउंट जो है एनपीए करने की परमिशन नहीं है। बैंक किसी को भी प्रेशराइज नहीं करेगा। साथ साथ में आप देखिए कि जो वर्किंग कैपिटल के लोन्स हैं, सीसी लिमिट्स है, उस पर लगने वाले जो इंटरेस्ट हैं, उसमें भी 3 महीने का डेफरमेंट है। 3 महीने तक कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, वो बाद में लगेगा। डेफरमेंट का मतलब छूट नहीं होता, डेफरमेंट का मतलब अभी नहीं लगेगा, बाद में लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा और पेमेंट नहीं करेंगे तो एनपीए हो जाएगा। तो टर्न ऑन, और ये इंस्ट्रक्शन जो है, आप देखिए कि हर तरह के बैंक, चाहे कोऑपरेटिव बैंक हो, आरआरबी हो, चाहे वो एनबीएफसी हो, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो, एमएफआई हो, कोई भी फाइनेंशियल इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो जो यहाँ पे फाइनेंसिंग कर रहे हैं, उनको टर्म लोन में 3 महीने का जो है वो दिया गया है ईएमआई में छूट। अगला, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, ये जो है बेसिल के अकॉर्डिंग जो ऑप्शंस हैं हमारे एक टॉपिक में कवर किया गया है, वो करना था, जिसको करने के लिए 1 अप्रैल यानी हाई लिक्विडिटी की फंडिंग अवेलेबिलिटी करानी थी, तो वो 1 अप्रैल 2020 से लागू हो जानी थी, जिसको एक्सटेंड कर दिया है गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल, पूरे पूरे 6 महीने का क्वेश्चन दे दिया है। ये जो बेसिल के थर्ड के जो वो है नॉर्म्स है, उसमें ईज आउट किया गया है। और अगली बात है इसमें सीसीबी की, सीसीबी का एक फुल वीडियो हमारा बना हुआ है, कैपिटल कंजर्वेशन बफर, जिसको 2.5% करना पड़ता था। अगर आपको बेसिल का थोड़ा बहुत आइडिया है, उस बेसिल के आइडिए में जो 9% आपको मेंटेन करना पड़ता था, उस 9% के साथ आपको एग्जैक्टली 2.5% आपको सीसीबी मेंटेन करना पड़ता था, जिसकी डेट जो थी पहले 31 मार्च 2020 को करना ही करना था, उसको बढ़ा करके 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया है। और आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, पहले ये 31 मार्च 18 था, फिर 31 मार्च 19 हुआ, फिर 31 मार्च 20 हुआ, और अब इस परिस्थिति को देखते हुए इसको बढ़ा के 30 सितंबर 2020 कर दिया गया। तो दोस्तों, ये सारे डेवलपमेंट, मेन डेवलपमेंट इस समय आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी के लिए आए हैं, और ये सारे डेवलपमेंट आज से ही लागू हो गए हैं। इसलिए आप इन नॉर्म्स को रिमेम्बर करिए और ये आपके आगे आने वाले समय में आपके काम आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसकी चर्चा कीजिए, हमारे चैनल को ग्रोथ दीजिए, और हम इसी तरह की और लाइव क्लासेस आगे लेके, स्पेशली कल और परसों शायद हमारी लाइव क्लास होंगी, तो आप लोग अपने समय का उपयोग कीजिए। और इसी सब के साथ सभी बैंकर्स को मेरा सल्यूट। बैंकर्स जो है बहुत तन्मयता से इसमें लड़े हुए हैं, अपनी उस बीमारी से लड़ रहे हैं, तो आप लोगों को मेरा अगेन सल्यूट, थैंक यू।